अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और बैम्बू आपके साथ रेणु तिवारी। यह हमारा खास कार्यक्रम है ऊंची उड़ान, जिसमें आज हम बात करेंगे कि एक अच्छा अध्यापक आप कैसे बन सकते हैं, आपको अध्यापक बनने के लिए क्या पढ़ाई करनी होगी, किस तरह से पूरा प्रोसेस होगा। इस वीडियो में आज हम बताएंगे, एक एक जानकारी देंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और एक अच्छा टीचर कैसे बन सकते हैं, इसके तमाम एग्जाम्स के बारे में बताएंगे कि कब होते हैं, किस दौरान होते हैं, क्या आपको कोचिंग लेनी चाहिए, किस तरह से आप पढ़ाई करें, इन तमाम जानकारी को इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। सरकारी टीचर बनने के लिए उसमें रुचि होना बेहद आवश्यक है। यह उन लोगों के लिए बेहतर है जिनको पढ़ना और पढ़ाना पसंद है। शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले आपको ये चुनाव करना पड़ेगा कि आपको कौन सी क्लास को पढ़ाना है, उसके हिसाब से आपको पूरी तैयारी करनी होगी। सामान्यतः सरकारी टीचर्स को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, PRT यानी कि प्राइमरी टीचर, TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। PRT की बात करें तो PRT के तहत आप 1 से 5 क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको 12वीं क्लास में पास अच्छे मार्क्स से होना बेहद ज़रूरी है, कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और साथ में आपको 4 ईयर्स बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि BLED की डिग्री भी होनी चाहिए, या फिर आप नर्सरी टीचर ट्रेनिंग भी आप ले सकते हैं, इसकी भी डिग्री आपको अनिवार्य होगी। अगर आपके पास नर्सरी टीचर ट्रेनिंग आपने की है तो छोटे छोटे बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, जिसे प्री प्राइमरी टीचर बोला जाता है। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आपकी स्किल वैसे अच्छी होनी चाहिए, जैसे धीरजपूर्ण कांड आपको आना चाहिए, आपके अंदर कोमल आपका स्वभाव होना चाहिए। छोटे बच्चों को पढ़ाना सरल काम नहीं होता, इसलिए आप में विशेष गुण होने चाहिए। प्राइमरी स्कूल टीचर आप तब बन सकते हैं जब आपके पास शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ डिग्री भी मौजूद होगी। अब बात करते हैं TGT की। TGT के तहत आप 6 से 10 तक के क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको स्नातक ग्रेजुएट डिग्री के साथ साथ BEd की भी डिग्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रेजुएशन के बाद आप BEd 2 साल में कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सभी डिग्री हैं तो 6 से 10 क्लास के बच्चों को आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के तहत आप 11वीं और 12वीं की क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। शिक्षक बनने के लिए इन सभी डिग्री योग्यताओं के अलावा कुछ सर्टिफिकेट भी आवश्यक होते हैं। ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको CTET और TET के सर्टिफिकेट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सरकारी टीचर बनने के लिए आपके पास CTET का मार्कशीट होना बेहद आवश्यक है। बिना CTET के पास किए हुए आप कभी भी कोई भी टीचर एलिजिबल जो फॉर्म होता है वो आप नहीं भर सकते हैं। आइए जानते हैं कि CTET क्या होता है, उसको आप कैसे पास कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम हर साल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। CTET क्वालिटी करने की सरकारी टीचर बनने की एक अपनी योग्यता होती है। अगर CTET आपने क्लियर कर रखा है तभी आप सरकारी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं और अच्छा टीचर बन सकते हैं। CTET के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, इसके लिए आपको 12वीं क्लास या स्नातक में 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। यह परीक्षा 2 भागों में विभाजित होती है, पहला पेपर और दूसरा पेपर। पहले पेपर में आप कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको पहला पेपर की तैयारी करनी होगी। इसके अलावा 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको पेपर 2 की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप कक्षा 1 से 10 क्लास के बच्चों को पढ़ाने में रुचि रखते हैं तो आपको दोनों ही पेपर की तैयारी करके इसको क्लियर करना होगा। अब बात करते हैं TET की। तो TET एग्ज़ाम का हर साल सेंट्रल सरकार कराती है इसको आयोजित। इस परीक्षा को पास करने हेतु आप सरकारी टीचर बन सकते हैं। इसके लिए आपको क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इस परीक्षा के लिए आपको 12वीं स्नातक में 50% मार्क्स जरूर होने चाहिए। और इसके लिए आपको 12वीं पास करने के बाद BEd का भी आपको डिग्री आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ये परीक्षा 2 भागों में होती है, पेपर 1 और पेपर 2। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको पेपर 1 की तैयारी करनी होगी। CTET की तरह ही कक्षा
6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको पेपर 2 की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप 1 से 10 क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो भी आपको दोनों पेपर देना पड़ेगा। तो ये थी कुछ ऐसी विशेषताएं। अब मैं आप लोगों को टीचर्स के गुण बता देती हूँ कि टीचर्स के अंदर गुण क्या होने चाहिए तभी वो एक अच्छा टीचर बन सकता है। अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, उसके अंदर बहुत सारी एक अच्छा प्रबंधन मैनेज करने की लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए और नेतृत्व स्वभाव उसका अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर कोमलता और दयालुतापन भी होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा टीचर बन सकते हैं। तो ये था सरकारी टीचर बनने का एक प्रोसेस, इसे आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप बनना चाहते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ।